माँ ने प्रश्न किया ना, कहो जथा जानकी विवाही राज तजासो दूषण काही। कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, धरती पर उत्पात रहेगा तो कभी अपने को सुख से नहीं बैठने देगा, वो उत्पात समाप्त करने की यात्रा में लगा रहेगा। भगवान सोचते हैं जब तक आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी शक्तियां धरती से समाप्त न हो जाए तब तक हम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ के करेंगे क्या? सैद्धांतिक कारण समझिए, रावण ने पितामह ब्रह्मा से वर मांगा है, हम काहू के मरई न मारे वानर मनो मनो जाते दुईवा। क्या अर्थ हुआ? रावण ने वर मांगा है, हम मनुष्य और वानर इन दो से ही मरेंगे, तीसरे किसी से नहीं मरेंगे, वो भगवान से भी नहीं मरेगा, क्योंकि वरदान पाया ब्रह्मा जी से। इसलिए भगवान को वानरी सेना को समेटना पड़ा, वानरों की सेना इकट्ठी करनी पड़ी। वानर बोले तो वन के जो नर हैं, फिर सबको समेट करके भगवान लंका पहुंचे और मनुष्य भाव से ही रावण को समाप्त किए। प्रमाण ये बताइए, जरा सोचिए कि शेषावतार शेष के स्वामी, नागों के स्वामी शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज, जब नागों के स्वामी ही राम जी के सेवक है तो नाग पास बस भय खरारी कैसे संभव है? बात हंसने की है ना। नागों के स्वामी लक्ष्मण जी महाराज सेवा में हैं, नाग पास कैसे लगा? बात कठिन है। ये भगवान की नर लीला है। जब रघुनाथ कीन नर लीला, समझत मोहि होत अति व्रीड़ा। नर क्रीड़ा, देवी मेघनाथ कर आप बधाए हो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, बंधन काट गयो उर्गादा। ये भोले बाबा माँ को सुनाते हैं, देवी भगवान ने नर क्रीड़ा की कि रावण को ये विश्वास हो जाए कि ये भगवान नहीं है, ये नर है, ये हमको क्या मारेंगे। ठीक, ये भगवान की वन में लीला है, राज बैठ के नहीं, बहु लीला आगे आएगा। राज तजासो दूषण काही। रावण को मनुष्य के हाथ से मरने का वरदान दिया है पितामह ब्रह्मा ने, इसलिए भगवान नर लीला करते हुए वहां तक यात्रा बनाए और आसुरी शक्तियों का समापन किए। वन में भगवान ने क्या क्या किया? संतों से मिले, आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने सुप्रखा का नाग का निभंजन किया, खरदूषण का अंत हुआ, फिर रावण आया, माँ अग्नि प्रवेश करा दिया प्रभु ने, माँ को ले गया हरण करके, जटायु जी को गति दिया प्रभु ने, शबरी माँ का उद्धार किया, आदि आदि सब प्रसंग है। उसी में भगवान वन यात्रा में, जो आदरणीय बाबू जी को प्रसंग प्रिय है, भक्तराज केवट का प्रसंग आता है। देखिए, शबरी जी और केवट ये दो भगत भगवान के ऐसे अद्भुत हैं कि दोनों पढ़े लिखे नहीं है साहब, दोनों को अपने श्रेष्ठ के वचनों पर बहुत विश्वास है। कैसे? दर्शन करिए। केवट जी निषाद राज गुह जो राजा हैं, राम जी के सखा हैं, उनके परिकर हैं, सेवक हैं। राजा के रहते सेवक क्या उत्पात बातचीत में करेगा? नहीं। परंतु केवट जी ने भगवान को बहुत समय तक उलझा दिया, इसलिए पांव धोने के लिए, पांव में क्या है? आ तो वो रज ऐसी है जो पत्थर का भी उद्धार कर देवे है। गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं,
गांव के लोग क्रिया में बहुत बहस नहीं करते, जो कह दो उसका पालन करते, श्रद्धा की पराकाष्ठा है। तो केवट जी ने कहा, जो प्रभु पार अवश्य गा चहो तुम ही पद पदुम पकारन कह। भगवान से केवट जी पूछते हैं, यदि पार जाने की इच्छा है प्रभु तो आज्ञा करिए, मैं पांव धो लूं पखार लूं। भगवान ने हां नहीं किया। मनुष्य जहां जीता है वहीं सोचता है, वहीं जाता है मन से। केवट जी को लगा इनके पास देने के लिए उतरा ही नहीं है, तो सोचते हैं भगवान को उससे भी मुक्त कर दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतरा राम राम दशरथ सब सब तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय केवल पांव धुलवा लीजिए प्रभु, बस पांव धुलवा लीजिए, कसम उठा लेता हूं आपकी भी और चक्रवर्ती महाराज की भी, लक्ष्मण जी बाण मार देंगे तब भी, जब तक पांव नहीं पखानूंगा पार नहीं उतारूंगा। भगवान हंसे बड़े जोर, सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चेतई जाय की। भगवान केवट की बतिया सुनके इतने जोर ठहाका लगाए कि सीता मैया लक्ष्मण जी गदगद हो गए। इसका अभ्यास किया जाए, भगवान कैसे प्रसन्न हो इसका प्रयास किया जाए। भगवान हमारी निर्मलता से प्रसन्न होते हैं। सुना होगा गीत आपने, डॉक्टर साहब थे तो गाते थे, हम लोग भी कभी कभी गा लेते हैं। भगवान रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से, भगवान रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से, अब कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से, अब कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से, भगवान रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से, भगवान रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से। बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गइल मुसुका के, बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। हाँ बानर भालू के रणांगण में लंका में देखी के हंस ठठा के, भगवान हंसेल हंसावेल कवन गुणवा से, भगवान हंसेल हंसावेल कवन कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला कवन गुणवा से, बिहसे करुणा चित भगवान इतने गदगद हो गए हो।